हाय फ्रेंड्स, आई एम इकबाल पटेल और आप अपने फिटनेस को लेकर परेशान हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से स्किपिंग कर सकते हो तो मैं कुछ वर्कआउट स्किपिंग आपको बता देता हूँ, वो आपको करनी है। और अगर आपके पैर में इंजरी है घुटने वगैरह में तो स्किपिंग नहीं करना है, आपकी डॉक्टर की सलाह वगैरह लेने के बाद ही करिए। तो पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताते रहता हूँ। पहले आप दोनों पैर इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। इसके बाद आपको हल्का सा जंप करना है इस तरीके से, इस तरह। अब मन में काउंट करते रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप जितना कर सकते हो उतना करिए। ये पहला स्टेप है। और सेकंड स्टेप में आपको बता देता हूँ क्या करना है। सेकंड स्टेप ये है कि अगर आप अच्छे से इसको कर लेते हो तो ये स्टेप आप इजी कर पाओगे। मैं आपको बताता हूँ सेकंड स्टेप आपको कैसे करना है। आपको छोटा छोटा जंप लेना है, हो सके इतना कम। ज़्यादा हाई जंप करोगे तो आपके नी में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको पैर में इंजरी है, नी में इंजरी है, तो आप स्किपिंग मत करिए, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। तो इस तरीके से आपको रोटेशन करना है, नॉर्मल। ये सेकेंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप में आपको बताता हूँ इसके बाद फिर आपको किस तरीके से करना है। थर्ड स्टेप है और ये आप आराम से करिए। ये वर्कआउट स्किपिंग करने के टाइम आपको को पैर नहीं पटकना है और हो सके उतना पैर जमीन पे आराम से इस तरीके से आपको रखना है। कुछ लोग जोर जोर से पैर पटकते हैं, वो आपको नहीं करना है। एकदम इजी, स्लोली एकदम लाइट। अगर आप अच्छे से स्किपिंग करते हो तो ये बहुत बेहतर है आपके बॉडी के लिए। इससे आपका वेट धीरे धीरे आसानी से लॉस होगा। और इसके बाद और कौन सा है मैं आपको चलिए बताता हूँ। चौथा स्टेप है तो इसको किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको एकदम आराम से करिए, इसमें पैर नहीं पटकना है, ज़्यादा पैर ऊपर उठेगा नहीं। आपको इसको ये हल्के से रोटेशन की तरफ करना है। ये भी आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से करिए, जितना आप कर सकते हो। और जब आप पैर ज़मीन पर लेते जाते रिवर्स में तो वहाँ पर आपको पटकना नहीं, आपने देखा होगा कितना इजी से गया। और इसी तरीके से आपको ये करना है। अब ये रनिंग स्किपिंग है और इसको आप किस तरीके से करिए मैं बताता हूँ। आपको वॉक करना है स्किपिंग के साथ में, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। और नॉर्मल वॉक आप जैसे करते हो गार्डन में उसी तरीके से आपको करना है, लेकिन स्किपिंग के साथ में करना है। और धीरे धीरे ऐसा बॉडी को रोटेशन लो और धीरे धीरे फिर वॉक करो। और आपने देखा होगा बहुत सारे वेरिएशन, और कुछ वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अच्छे से स्किपिंग करते हो तो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी बेहतर है और आप इसको ज़रूर करिए। हाय फ्रेंड्स, अगर आप अपनी फिटनेस को लेकर परेशान हैं तो आपको परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरा चैनल है यू मिमिक्स मार्शल आर्ट, उसको सब्सक्राइब करिए। और मैं बहुत सारे फिटनेस के बारे में वर्कआउट आपको बताते रहूँगा। और एक्चुअली मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैं मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, तो इसके लिए मुझे फिटनेस के बारे में काफ़ी कुछ मालूम है। और आप इसको चैनल के माध्यम से आप इसको देखिए और अपनी जो बॉडी वेट है उसको कम करिए। और फिटनेस के अंदर एक आप स्किपिंग रोप देखे होगे, हर अक्सर लोग काफ़ी करते हैं, फाइटर्स लोग भी करते हैं, मैं भी करता हूं। और अभी अभी मैं जस्ट में करके बैठा हूं, तो आप देखिए काफ़ी मुझे पसीना वगैरह आया है। तो आप अच्छे से अगर स्किपिंग करते हो तो अगर आपके पैर में इंजरी वगैरह नहीं है और अगर आपके घुटने में वगैरह दर्द होता है तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले, उसके बाद ही स्किपिंग करिए। स्किपिंग रोप एक ऐसा फिटनेस वर्कआउट है स्टेमिना बढ़ाने के लिए, और आप अक्सर देखे होंगे कि काफ़ी लोग इसको करते हैं और अच्छे से करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरीके से करना है। और कभी भी वर्कआउट करने के टाइम आपको घाई नहीं करनी है, आराम से करिए, ठीक है। पहली बार आपको तकलीफ आएगी,
कुछ पेन होगा बॉडी में उसको इग्नोर कीजिए और फिर आप धीरे धीरे अपने वर्कआउट को बढ़ाते रहिए। और आपको कुछ जानकारी चाहिए फिटनेस के बारे में तो मेरे चैनल पर आप कमेंट में ज़रूर मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दिखाऊँ और ताकि वो आपको बेनिफिट मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बना के भेजता रहूँ।